दोस्तों तो कैसे हैं? सब ठीक हैं? नेक्स्ट व्लॉग में आ चुके हैं। ये मेरा दोस्त मेरे साथ है सगा। तो आज यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है, वैसे देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज हम वैसे फूड तो खुद ही बनाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती नहीं, वो तो ख़त्म हो चुकी है हमारी। तो आज हमारा प्रोग्राम था बाहर कुछ खाने का, लाइक पिज़्ज़ा। तो चलते हैं, आज आपको दिखाते हैं ईरान का रेस्टोरेंट कैसा है। तो हम स्नैप करने जा रहे हैं, स्नैप करते हैं फिर लगाते हैं लोकेशन रेस्टोरेंट की। तो चलते हैं। तो सलेन भी स्नैप कर रहे हैं हम, अमित आम की लगा लें। स्नैप तो मिली नहीं है, तो हम जाते हैं बस पे। बस आ चुकी है तो दोस्तों, बस तो नहीं मिली क्योंकि बस वो सिटी सेंटर नहीं जा रही थी, तो अपना स्नैप करवाइए। तो स्नैप आ गई, कैंसिल हो गए दोबारा। दोबारा कैंसिल हो गए यार, हमारी किस्मत ही खराब है। स्नैप हमने दो बार कैंसिल हो चुके हैं, कोई 10 मिनट हो चुके हैं हम स्नैप कर रहे हैं, स्नैप हो ही नहीं रही। तो यहाँ पे हम खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है। आने वाला हूँ हमारी स्नैप आ चुके हैं, तो हम जाते हैं। लेकिन अब रेस्टोरेंट ढूंढ रहे, अभी तक नहीं मिला। मैं 5-10 मिनट हो गए। पहले हम दूसरे एरिया में रहते थे, वहाँ पे मतलब एक एक गली का हर जगह का पता था तकरीबन 2 सालों से। अब तो गए हैं यूनिवर्सिटी वाली साइड पे, वहाँ पे कुत्तों के अलावा और कुछ नहीं दिखता। तो कुत्ते होते हैं सारे हासिल के बाहर, शाम को बाहर जाने में भी डर लगता है, ऊपर से दूसरे हम पास। सब ढूंढते हैं कोई ना कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट, फिर आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट ईरान के। अभी तक हमें खुद नहीं मिला, ढूंढ रहे हैं गूगल पे, हमने चेक किया है गूगल मैप पे। जब वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे आगे गली खत्म हो गई थी, कुछ नहीं था आगे। तो मिलते हैं फिर, थैंक हो गया हमारे साथ। पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया है तो पिज़्ज़ा कैसा था? हैवी अच्छा था। 10 में से रेटिंग को मिलेगी 7 की 7, इतना बुरा भी नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था, वैसे सही था। तो आप चलते हैं थोड़ा सीटी वगैरह घूमते हैं, उसके बाद हम चलते हैं फिर अपने हॉस्टल वापस। तब तक आपको दिखाते हैं ईरान के सिटी का कुछ मनाजर। तो दोस्तों अब हमने रेस्टोरेंट से निकल चुके हैं, स्नैप करा चुके हैं, अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट कर लिए, बाहर जाना पड़ता है क्योंकि पहले तो ये था कि हम सब एक ही हॉस्टल में थे, चाहे जितने भी हमारे बैचमेट की क्लासमेट थे सारे ही साथ थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कोई प्राइवेट हॉस्टल में रहता है तो कोई किसी ने अपार्टमेंट भी ले लिया है। तो इस हॉस्टल में बस हम अपने क्लासमेट के 3-4 लोग ही हैं, बाकी सब अलग अलग हैं। दूसरी थोड़ा हॉस्टल में रह रहे ना, बंदा बोर हो जाता है तो इंजॉयमेंट के लिए कभी कभार बाहर आ जाते हैं। तो आज हमने हमारे रजा था बाहर जाने का, पिज़्ज़ा खाने का, तो खा लिया, हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। तो आज कल वैसे भी हमारे अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मीट आने वाले हैं। सबसे पहले हमारा नाटक का मीट है, वो भी साथ में तैयार करनी है। तो लोग आज स्पीड आपको कम देखेंगे हमारे चैनल पे, लेकिन ये भी अपलोड करते रहेंगे, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो तो अपलोड करेंगे एक। लेकिन ये है कि थोड़ा कम टाइम मिलेगा क्योंकि ये फोर्थ सेम वैसे बहुत टफ है। पहले 1 सेम तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन फोर्थ सेम में अनाटमी वगैरह बहुत टफ आ जाती है। तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी हमारी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे थोड़ा ईरान में एडमिशन के बारे में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ईरान में एडमिशन लेना चाहिए, कुछ कहते नहीं। तो
नेक्स्ट डीसी होगी कि ईरान में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके क्या फ़ायदा या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, तो पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे कुछ ईरान में। तकदीरों की इस लड़ाई।